दोस्तों, आज मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं, उस मेडिसिन का नाम है सैफीम सिरप। सैफीम सिरप बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक सिरप है। सैफीम सिरप में सेफ़ग्ज़ाइम होता है, ये एक थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। सैफीम सिरप बच्चों के लिए बुखार में एंटीबायोटिक के तौर पर दिया जाता है। ये इन्फेक्शन वगैरह को ख़त्म करता है। बच्चों को अगर खांसी हो या नमोनिया वगैरह हो तो सैफीम सिरप के इस्तेमाल से ये बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। बच्चों को अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो तो सैफीम सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। बच्चों को अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो तो सैफीम सिरप का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सैफीम सिरप का इस्तेमाल बच्चों के कान वगैरह के ज़ख़म या इन्फेक्शन में भी किया जाता है। सैफीम सिरप बच्चों के हर किस्म के इन्फेक्शन और ज़ख़म में दिया जाता है। सैफीम सिरप के इस्तेमाल से ज़ख़म या इन्फेक्शन मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। बच्चों को अगर खांसी आती हो या गला ख़राब हो तो सैफीम सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। बच्चों के गले के इन्फेक्शन के लिए सैफीम सिरप का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। बच्चों को अगर कोई दाने या ज़ख़म वगैरह हों तो सैफीम सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। बच्चों के अगर गुर्दे या मसाने में कोई ज़ख़म या इन्फेक्शन हो तो सैफीम सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। सैफीम सिरप की खुराक दिन में एक बार दी जाती है या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। सैफीम सिरप 30 मिलीलीटर की बोतल में होती है। इसकी कीमत सिर्फ 165 रुपये है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी मेडिसिन की मालूमात चाहिए हो या किस बीमारी में कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है जानना हो तो मुझे कमेंट करें।